नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिश्नौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य को अपनी समस्याएं बताते हुए एक ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की सदस्य पूजा वाल्मीकि द्वारा एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका सभागार में चेयरपर्सन पुत्र अरशद अंसारी सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने 513 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की गई। उसके बाद निगरानी समिति की सदस्य अन्य स्थान के लिए रवाना हो गई। सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष सुरेश सैलानी ने बताया कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को नियमित कराने, सेवाकाल के दौरान संविदा कर्मचारी की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को नियुक्ति दिलाने तथा न्यूनतम मानदेय 18,000 रूपए दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रही। वहीं राज्य स्तरीय निगरानी समिति उत्तर प्रदेश की सदस्य पूजा वाल्मीकि ने जानकारी देते हुए बताया, सफाई कर्मचारी जो हैं उन लोगों की समस्या जो समस्या है उसके कारण मैं बता रही हूँ। और स्वच्छ कार्य जो है पहले संध्या 13 में जो हुए थे उसके लिए क्या क्या आपने यहाँ सर्वे किया, क्या देखा? सर्वे कर्मचारियों के बारे में पूछा और कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उसके बारे में सब कुछ सही मिला। जी सब कुछ ठीक मिला। कोई समस्या वगैरह नहीं? कोई समस्या नहीं है। जो कर्मचारियों की समस्या है उन लोगों ने ज्ञापन दिया है और ईओ साहब है नहीं। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।